चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोविड और अन्य बीमारियों पर रिसर्च और स्टडी के लिए एक प्रदेश स्तरीय इंस्टीट्यूट भोपाल में बनाएंगे। इंस्टीट्यूट में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित होंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिकित्सा शिक्षा विभाग की आगामी योजनाओं से अवगत कराया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जागरूकता के लिए पिंक कैंपेन शुरू किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों पर विशेष फोकस होगा। महावैक्सीनेशन अभियान 21 जून से शुरू होगा, जिसमें 7,000 सेंटर्स में 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि हमीदिया में ब्लैक फंगस की सर्जरी की जा रही है। हमारी कोशिश है कि अर्ली स्टेज पर इस संक्रमण को रोक सकें। म्यूकोर माइकोसिस के लिए जरूरी इंजेक्शन इन्फोटेरिसिन बी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दिग्विजय सिंह के पेड़ों की कटाई के आरोप पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय बाघ भ्रमण क्षेत्र में अपनी जमीन देखने गए थे। कांग्रेस खुद चाहती है कि दिग्विजय सिंह वनवास चले जाएं। उसके साथ ही हमने ये निश्चित किया है कि हम देखते हैं कि महिलाओं में भी कैंसर की बहुत बीमारी फैल रही है, पर सामाजिक ताने बाने के कारण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत बार ऐसी बीमारियों को छुपा जाती हैं, संकोचवश, और ये जब बीमारी प्राथमिक स्तर पर ज्ञात नहीं होती तो ये बढ़ जाती है। बहुत बार देखते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी स्थिति में भी कैंसर पहुंच जाता है। तो हमने निश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश की ओर से एक पिंक कैंपेन शुरू करेंगे। ये पिंक कैंपेन के माध्यम से हम शहर, कस्बे और हर पंचायत में हमारे डॉक्टर्स जाएंगे, कैंप लगेंगे और पिंक कैंपेन के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनमें उनकी पूरी जांच की जाएगी, खासकर कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं है, इसकी जांच होगी। सारंग ने कहा, भाजपा हमेशा आगे की रणनीति तैयार करती है। हमारी बैठकें हो रही हैं, पार्टी संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा, कोविड से हो रही मौतों को कम करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे हैं। सारंग ने कहा, कांग्रेस को डुबाने का श्रेय पप्पू गांधी को जाता है। उनका आज जन्मदिन है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बेसिकली तो वहां पर जमीन देखने गए थे, और केवल अपनी जमीन नहीं देखने गए थे, वो ये देखने गए थे कि कमलनाथ की सरकार के समय कमलनाथ और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं ने वहां पर कितनी कितनी जमीन खरीदी। अब मीडिया को तो कुछ बताना था तो वो बिना बात के शगुफेबाजी कर रहे हैं। एक पेड़ तो लगाया नहीं। अच्छा होता दिग्विजय सिंह जी एक आध पेड़ लगाते। अब ये अलग बात है कि कल कांग्रेस में ये चर्चा थी कि अच्छा है दिग्विजय सिंह जी वनवास चले ही जाएं। कांग्रेस के नेताओं ने ये बात भी बोली कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो चाहती है कि दिग्विजय सिंह जी जंगल की ओर ही रुख कर लें और वो वनवास की ओर चले जाएं। मुझे लगता है इस तरह के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, केवल मीडिया की सुर्खियाँ बनना और सुर्खियाँ के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी के पीछे कहीं ना कहीं उसके तथ्य भी रहने चाहिए, और तथ्य विहीन इतने सीनियर व्यक्ति को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।